मेरा नाम डॉक्टर जिब्रान रबानी है। मैं शालामार हॉस्पिटल में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी FCPS की ट्रेनिंग जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर से हासिल की है। इसके अलावा मैंने MRCS फ्रॉम इंग्लैंड किया हुआ है और इसके वक्त मैं 9 साल से प्लास्टिक सर्जरी में काम कर रहा हूँ। ये प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जिसको हम जनरल प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, एंड सेकंड इज़ कॉस्मेटिक सर्जरी। जनरल प्लास्टिक सर्जरी या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ लाइक बर्न के हैं, बर्न विक्टम्स हैं, एसिड बर्न विक्टम्स हैं, या ऐसे हजरात जिनको किसी एक्सीडेंट के बाद कोई उनका ऐसे ज़ख्म आए हैं जो कि प्राइमरीली स्टिचेस नहीं हो सकती, उसको कवर करना, या किसी कैंसर के बाद ऐसे ज़ख्म, बड़े ज़ख्म हैं उनको कवर करना उसमें शामिल है। कॉस्मेटिक सर्जरी एक्चुअली थोड़ा सा यूँ कहना चाहिए कि आपकी खूबसूरती में इजाफ़ा करने के ऐसे प्रोसीजर्स हैं। हम ये नहीं कहते कि आपको खूबसूरत बना देंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि आप खूबसूरती में इजाफा ज़रूर कर सकते हैं। लाइक बॉडी कंटूरिंग, बॉडी रीशेपिंग के प्रोसीजर्स हैं फेस के अंदर, लाइक नोज़ के रीशेपिंग के हैं, नोज़ पतला मोटा करना, थोड़ा सा टेढ़ा है वो सीधा करना, स्किन रिजुविनेशन, स्किन फ्रेशनेस के लिए हैं, रिंकल्स, एंटी रिंकल सर्जरीज हैं, इसमें सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स शामिल हैं। कंडीशन है हेयर लॉस की जो कि हार्मोन रिलेटेड होती है। इसके अंदर एक बड़ा टिपिकल पैटर्न आता है हेयर के अंदर मेल के अंदर, जिसमें फ्रंट के हेयर और ऊपर वाले जो स्कैल्प के जो वर्टेक्स है उसके हेयर लॉस होते हैं, जबकि पीछे वाले हेयर जो है ना वो अमूमन प्रिजर्व रहते हैं। इसकी ख़ास वजह यह है कि जो हार्मोन्स हैं, मेल हार्मोन्स हैं, वो इफ़ेक्ट करते हैं सामने वाले और ऊपर वाले हेयर्स पे, जबकि पीछे वाले हेयर के ऊपर वो रिसेप्टर्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो पीछे वाले जो बाल हैं वो बच जाते हैं। अब उसके अंदर जो हेयर रेस्टोरेशन हम करते हैं या दोबारा उसके अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल ही यही है कि पीछे वाले बालों को आगे मूव किया जाता है। इनिशियल कंडीशंस के अंदर जब बाल गिर रहे होते हैं तब हम उसके अंदर PRP थेरेपी करते हैं, जो कि एंटी हेयर लॉस एक ट्रीटमेंट है जिसके अंदर पेशेंट का अपना ब्लड लेके उसको प्रोसेस करके इंजेक्ट किया जाता है। अब हम जो यूज़ कर रहे हैं टेक्निक वो बड़ी सेफ़ टेक्निक है और जिसके अंदर कट नहीं आता, टांके नहीं लगते, स्टिचेस नहीं लगते। इंडिविजुअल हेयर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं और नई जगह पर उसको अप्लाई करते हैं। कुछ केयर इसकी बाद में करनी पड़ती हैं, तकरीबन 1 मंथ की लाइक शॉवरिंग का एक तरीका है, वो हम आपको बताते हैं बाद में। इसके साथ हम इसको बेहतर इसको रिजल्ट्स के लिए हम इसके अंदर PRP भी ऐड करते हैं। ख़वातीन के अंदर एक इशू होता है ब्रेस्ट साइज़ के हवाले से। कई ख़वातीन बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके ब्रेस्ट बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, या ऐसी ख़वातीन जिनके लार्ज साइज़ के हैं। लार्ज साइज़ बाज़ोकात इतना डिफ़िकल्ट कंडीशन क्रिएट कर देता है, लाइक शोल्डर पेन्स हैं या स्किन मेसरेशन है, लाइक स्किन के नीचे ज़ख़म बन जाना, उन कंडीशंस के अंदर हम उसको रिड्यूस करते हैं। जबकि ऑगमेंटेशन उसमें साइज़ को इंक्रीज़ किया जाता है, वो दो तरीके हैं वुमन यूज़ किए जाते हैं, एक है इम्प्लांट्स के थ्रू, दूसरा है इवन फैट ग्राफ्ट के थ्रू, जहाँ पर हमें बहुत थोड़ा सा इंक्रीमेंट चाहिए वहाँ पर हम फैट ग्राफ्ट यूज़ करते हैं। दूसरे जो इम्प्लांट्स हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट एक कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं, वो है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी। ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को हो जाए खुदा न खास्ता और उसमें हमें ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है फीमेल्स के अंदर, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा बनाना, उस जैसी शेप बनाने के लिए डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जिसमें बॉडी के अपने ही पार्ट्स को यूज़ करके भी उसमें किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। जो रिजल्ट्स हैं आफ्टर कॉस्मेटिक सर्जरी दैट डिपेंड्स प्योरली ऑन दी अदर बॉडी कंडीशन, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। हम ये नहीं करते कि ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है या नाक की ये स्टैंडर्ड शेप है। नाक की शेप बाकी फेस की शेप पे डिपेंड करती है, इसी तरह बाकी बॉडी पार्ट्स हैं जो कि अकॉर्डिंगली जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंगली होते हैं, ये कोई स्टैंडर्डाइज चीज़ नहीं है। प्रोसीजर करने से पहले ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं कि कैसे रिजल्ट्स होंगे, क्या चीज़ आप पे सूट करेगी, क्या नहीं करेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट का इनपुट लिया जाता है इसके अंदर कि वो क्या चाहते हैं, वो कैसा चाहते हैं और कितना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको गाइड करते हैं उनको कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये नहीं है। उसमें
सेकेंड जो बाज़ अवकात ऐसा भी होता है कि कुछ रिज़ल्ट्स बाज़ अवकात सेटिस्फाइंग नहीं होते, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो जल्दी में होते हैं। अगर आप उसको वेट करें, बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं विद टाइम, क्योंकि एक किसी भी प्रोसीजर के बाद कुछ ऐसे उसके सीक्वल ऐसा होता है कि उसमें स्वेलिंग होती है, उसे कुछ रिजल्ट्स मॉडिफाई होने होते हैं, कोई अंदर के स्ट्रक्चर्स मॉडिफाई होने होते हैं, दैट विल टेक टाइम। अगर बिलफर्ज कोई ऐसी चीज़ इसके बाद भी कुछ रह जाता है तो दैट कैन बी एड्रेस्ड ऑन द स्पॉट, कोई ऐसे इशू नहीं है, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर कोई सेकेंड चांस ना हो हमारे पास। एसिड बर्न हमारे विक्टम्स बहुत ज़्यादा इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई ऐसा इवेंट हो, आप उसके इर्द गिर्द के लोगों को चाहिए कि जो कॉजिटिव एजेंट है, कोई ऐसी चीज़ है, उसको मरीज़ को उससे दूर करें और उसको वॉश करें। कोई भी बर्न होता है, खा वो एसिड है, खा वो किसी पानी से है, गर्म पानी से, दूध से है या आग से है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उस हिस्से को जिसमें वो इफ़ेक्ट हुआ है उस हिस्से को धोएं पानी से, आम टूटी के पानी से 10-15 मिनट के लिए इसको धोना है, जिसकी वजह से स्किन जो है उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, चीज़ें वॉश आउट हो जाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, केमिकल बर्न या एसिड बर्न की बात करते हैं, उसमें दो चीज़ें हैं। सबसे कॉमन तो लिक्विड होते हैं वो सारे, लेकिन अगर इन केस वो पाउडर बर्न है, किसी ऐसा केमिकल जिसमें पाउडर है, तो उसको आपने सबसे पहले पाउडर रिमूव करना है, उसको झाड़ें, झाड़ने के बाद उसको वॉश करें, डायरेक्ट उसमें पानी नहीं डालना। जब इफ़ेक्टेड एरिया के ऊपर पानी से उसको डाइल्यूट कर लिया जाता है तो जो इफ़ेक्ट होता है किसी भी केमिकल का वो कम से कम हो जाता है। उसके बाद के आगे जो भी सीक्वेंस है उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर आएं। जो भी उसके बाद के सीक्वेंस हैं वो उसको सफाई की ज़रूरत पड़ती है, सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है, वो एड्रेस किए जा सकते हैं। मल्टीपल तरीके हैं उसके अंदर, जो स्किन ग्राफ्टिंग का एक तरीका है, प्राइमरी क्लोजर है। उसके बाद जो स्कार्स हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं स्कार के, वो उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको बेहतर किया जा सकता है विद डिफरेंट टेक्निक्स, जिसमें सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल दोनों टेक्निक्स हैं। उसमें बहुत सारे इंजेक्शंस भी शामिल हैं, कुछ सर्जरीज भी शामिल हैं, जिसकी वजह से हम उसको बेहतर कर सकते हैं स्कार्स को। आपको कोई भी क्यूरी हो या कोई भी अपना अपॉइंटमेंट लेनी है, आप मरहम के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।